आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुन रहे होंगे। ज़्यादातर आपके फ़ोन में, टीवी में और स्मार्ट होम आदि में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कैसे काम करता है। कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर को कुछ इस प्रकार का एल्गोरिथम सिखाया या प्रोग्राम किया जाता है कि वो एक इंसान जैसा बिना इंसान के हेल्प से काम कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एलन ट्यूरिंग नाम का एक साइंटिस्ट जिसने नाजी शासक को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उन्होंने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच लिया था। उन्होंने अपना काफ़ी वक्त मशीनों को दिमाग देने के खोज में बिताया था। उन्हीं का एक रिसर्च पेपर में सन 1949 में उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम में काफ़ी सारे लॉजिकल और रैशनल रिएक्शन को प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर हूँ, आप मुझे हाय बोलेंगे तो जवाब में मैं भी आपको वापस हाय बोलूँगा और साथ में हाउ आर यू वगैरह, क्योंकि ये लॉजिकल और रैशनल बिहेवियर है। लेकिन कुछ तरह के सिचुएशन में कैसे और क्या काम करना है ये प्रोग्राम में लिखा गया होता है, जैसे कि मोबाइल फोन का कैमरा लाइट और ऑब्जेक्ट्स को समझ लेता है और कैसा फोटो खींचना है ये डिसाइड कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे फायदे हैं जो कि हमारे बहुत सारे काम का बोझ हल्का कर देते हैं, चाहे वो रसोई घर का हो, ऑफिस का हो या फिर ड्राइव करते वक्त। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हर काम इंसानों जैसा नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ छोटे स्केल पर जिसमें लिमिटेड प्रोबेबिलिटी वाला सीन हो, जैसे कि लो लाइट, ज़्यादा धूप या छांव हो या बारिश या फिर रात का अंधेरा, ये कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनका लॉजिकल रिएक्शन हमेशा सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल, बाहर अंधेरा होगा तो कैमरा अपना नाइट मोड से फोटो खींचेगा और लॉजिक चेंज नहीं होता, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से अंधेरे में फोटो खींचने के लिए एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत होती ही है। ऐसे कुछ सिंपल लॉजिक वाले काम आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल हालात जैसे बाजार से सब्जी लाके खाना बना के आपको देने जैसा कॉम्प्लेक्स काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जी खरीदते टाइम क्वालिटी और दाम का जो मोल भाव है वो सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन से ही हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक ये पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक अच्छे कुक की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, असिस्टेंट जरूर बन सकता है, जैसे प्याज काटना या पानी गर्म करना वगैरह वगैरह। वैज्ञानिकों की खोज जारी है, दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और नई नई बातों से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कुछ प्रोसेस जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और कुछ तरह के खास कंप्यूटिंग से और बेहतर होता जा रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी विज्ञान की बातें सोचते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।